ये देखो भैया, ये क्या है? ये बढ़िया सी मुंबईया डिश है जो हर कोई मुंबई वाले को मालूम है कि है मुंबईया वड़ा पाव। और ये है बढ़िया सी गुजराती डिश, क्या है? दाबेली। कहाँ पर आए हैं, शॉप की क्या टाइमिंग है, और भैया ये दोनों चीज़ें बनी कैसे है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में तक बने रहिएगा, मज़ा आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोडी अमित कनपुरिया। और भैया आज हम लोग घूम रहे हैं गोविंद नगर के इलाके में, और गोविंद नगर के इलाके में एक बार आज हम फिर से आ चुके हैं आर के मुंबईया वड़ा पाव वालों के यहाँ। यहाँ का भैया हम लोग एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आपको हम दिखा चुके हैं, तो आज हम दोबारा आए हैं। ये देख रहे हैं आर के मुंबईया वड़ा पाव है, ये बढ़िया सी शॉप है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं उनसे, बात करते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ लगवाते हैं और उनका टेस्ट लेके बताते हैं इनका स्वाद कैसा है। ठीक, तो आइए दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर से आर के मुंबईया वड़ा पाव वालों से। यहाँ पे हम भैया से मिल चुके हैं। भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया है, नाम बता दीजिए अपना फिर से। रत्नेश कुमार मिश्रा। रत्नेश कुमार मिश्रा, भाई जो शॉप है आर के मुंबईया वड़ा पाव, ये कितने दिन पुरानी हो गई आपकी? लगभग 4-5 साल हो गए। 4-5 साल, अभी 5-6 महीने पहले हमने ही एक वीडियो बनाया था, तो बढ़िया चला, लोगों ने देखा। तो यहाँ पे जैसे कि क्या क्या मिलता है फिर से बताइएगा। वड़ा पाव है, पाव भाजी है, हॉट डॉग है, बर्गर है। क्या बात, दोस्तों देख रहे हैं हर एक वैरायटी है यहाँ पे, कई सारी चीज़ें हैं। अपना ऑनलाइन भी है? ऑनलाइन है, जोमेटो स्विगी पे। आपका मेन्यू दिखा दीजिएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं ये बढ़िया सा इनका मेन्यू है मुंबईया वड़ा पाव वालों का। इसमें इनकी टैगलाइन बढ़िया सी है, टैगलाइन के बारे में बताइए क्या लिखा हुआ है। हर कोई कहे मैं खाऊं, हर कोई कहे मैं खाऊं, ऐसा है आपका वड़ा पाव। क्या बात है भाई, दोस्तों देख रहे हैं बढ़िया सा इनका मेन्यू है, और मेन्यू में कई सारी वैरायटी है वड़ा पाव की। वड़ा पाव की बहुत सारी वैरायटी है। समोसा पाव देख रहे हैं, समोसा पाव भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, चटपटा चाट भी मिल रहा है, मस्का पाव भाजी भी मिल रही, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और आपके पास कॉम्बो भी हैं दोस्तों, इनके पास कॉम्बो भी अवेलेबल होते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ है इनका जो कार्ड है, इस पर साफ़ सफाई की बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है, जिसकी वजह से हम इनके पास आज दोबारा आए हैं। बढ़िया तरीके से यहाँ सारी चीज़ें बनती रहती हैं। तो भैया आज हम आपके पास फिर से आए हैं, हमें क्या ट्राई करवा रहे हैं? दाबेली और वड़ा पाव। वड़ा पाव की वैरायटी थोड़ा सा बताइए, कौन से वड़ा पाव की मतलब बनवा रहे हो? बहुत सारे आपके पास, बहुत सारे चीज़ का भी है, मतलब एक बार नाम बता दीजिए सबके। चीज़, शेजवान, मेयोनीज, मसाला, ग्रेवी। क्या बात है, तो देखें हर एक वैरायटी है। कि आप भैया अगर इनके पास आ गए वड़ा पाव खाने, तो आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे और बार बार यहाँ आएंगे और कहेंगे मैं खाऊँ। तो भैया हमारे लिए भी बनाइए वड़ा पाव, उसकी हम पूरी मेकिंग दिखा सकते हैं ना। ओके जी, आइए आपको इनके काउंटर पे मेकिंग इसकी दिखाते हैं वड़ा पाव की। हाँ, तो भैया ये वड़ा पाव बन रहा है भैया का, मुंबईया वड़ा पाव। दोस्तों देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से बन रहा है यहाँ पे वड़ा पाव। इस पर ये जो बटर लगा रही है, कौन सा यूज़ करते हैं आप? न्यूट्रीलाइट और अमूल दोनों रहते हैं। अमूल बटर यूज़ करते हैं, न्यूट्रीलाइट भी यूज़ करते हैं कभी कभी, इस समय अमूल बटर यूज़ कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। ये देखें, सेक दिया पूरा पाव को। ये देखिए इतना बढ़िया सा साफ सफाई से उनका काउंटर है, हमने अंदर से आके देखा। ये देख रहे हैं बढ़िया तरीके से हर चीज़ यहाँ पर कस्टमाइज तरीके से रखी हुई, एकदम प्रिपेयर। जी अब इसके ऊपर ये क्या डाल लो भाई? ये नारियल की चटनी है। नारियल की चटनी, ठीक है। क्या बात, हम तो देख रहे हैं एकदम ऑथेंटिक सा फ्लेवर जो आपको मुंबई में खाने को मिलता है, वही सारी चीज़ें डालते हैं यहाँ पे। और ये कौन सा मसाला था इसके पास? ये गाठी मसाला है, सूखी चटनी। क्या बात, सूखी चटनी का ये आपका गाठिया मसाला हो गया। और इसके पास आ गया ये वड़ा गरम गरम, ठीक है। हाँ, दाबेली भी दो। अब दाबेली और वड़ा पाव दोनों चीज़ें यहाँ पे बन रही है। दाबेली तुमने सुना भैया गुजरात की डिश ऐसा कुछ? हाँ, गुजराती डिश, गुजरात की डिश है दाबेली, और मुंबई की डिश है वड़ा पाव। तो यहाँ पे आपको गुजरात और मुंबई दोनों का स्वाद यहाँ पे मिल जाने वाला है, और वो भी आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना गुजरात जाना पड़ेगा और ना भैया मुंबई जाना पड़ेगा, सिर्फ आना पड़ेगा आपको आर के मुंबईया वड़ा पाव वालों के यहाँ गोविंद नगर कानपुर में, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ों का स्वाद मिल जाने वाला है। ये बढ़िया तरीके से दाबेली बन रही है और ये बन रहा है वड़ा पाव। ये देखिए दाबेली में थोड़ा सा बताइएगा कौन कौन से मसाले या क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। आलू से बनता है और अनार दाने, मोहली दाने और काफ़ी सारे मसाले होते हैं। काफ़ी सारे मसाले होते हैं, देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया सा बड़ा बना हुआ है इनका दाबेली का मसाला। ये देखिए
ठीक है, देख रहे हो भैया बढ़िया तरीके से बनता हुआ इनका दाबेली। ये दाबेली कंप्लीट हो चुका है और ये भैया हो गया वड़ा पाव। अब ये क्या जा रहा है भाई? ये सॉस जा रहा है, ठीक है, क्या बात है। ये शेजवान चटनी आ गई, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे कस्टमाइज तरीके से भी बनवा सकते हैं और इनके पास स्पेशल वैरायटी पूरी मेन्यू डिज़ाइन किया गया है जिसमें हर एक चीज़ बताई गई है। ये देखिए अब इसके ऊपर मेयोनीज चीज़ जा रही है, क्या बात है भाई, और एकदम चीज़ी सा वड़ा पाव बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आरके मुंबईया वड़ा पाव वालों के यहाँ बनवाया है, बढ़िया सा इनका वड़ा पाव बनवाया है जिसको खाने के लिए भैया लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये अपने वड़ा पाव के लिए ही फेमस है। 5-6 सालों से यहाँ गोविंद नगर एरिया में लगा रहे हैं अपनी शॉप और यहाँ पे दाबेली भी मिलता है जो कि एक गुजराती डिश है, बढ़िया सी फेमस सी, वो भी यहाँ पे आपको बना के खिलाते हैं भैया बढ़िया तरीके से। यानी कि मुंबई की और गुजरात की जो भी डिशें हैं वो आपको कानपुर में ही मिलने वाली है, तो अब आइए इनको खाते हैं, इनका स्वाद आपको बताते हैं कैसा है। तो भैया सबसे पहले लेते हैं इनका मुंबई का स्पेशल सा वड़ा पाव लेते हैं जिसकी भैया हमने आपको मेकिंग दिखाई, देख रहे हैं बढ़िया सा एकदम क्रीमी सा वड़ा पाव बना हुआ है। इसमें पड़ी है बहुत सारी मेयोनीज पड़ी है, चीज़ पड़ी है, ठीक है, इनकी स्पेशल चटनियाँ पड़ी हैं और एक जो स्पेशल मसाला है जो भैया सिर्फ आपको मुंबई में खाने को मिलता है वो मसाला भी बड़ा है, वड़ा पाव है पूरा, इसको खाते हैं। भैया एकदम जूसी सा फ्लेवरफुल वड़ा पाव है और जो इनके मसाले हैं उनका अलग ही फ्लेवर आ रहा है और सबसे अच्छी खुशबू ये है जो अमूल बटर इन्होंने डाला है उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और इसके साथ ये स्पेशली देते हैं ये हरी मिर्च जो मुंबई वाले ज़रूर खाते हैं, बढ़िया स्पाइसी है तो खाने में मज़ा ही आ रहा है। और साथ में क्या है भाई, ये गुजराती डिश दाबेली है, ठीक है, ये दाबेली है, इसको भी खाते हैं हम लोग। ये देखिए भैया फ्लेवरफुल डिश है क्योंकि अगर आप कभी गुजरात गए हों या फिर इंदौर गए हों तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कार्ट में मुंबई में भी ये दाबेली आपको मिल जाएगी लेकिन कानपुर में भी आपको दाबेली कहीं नहीं मिलेगी। और ये यहाँ पे भैया ने शुरू किए, बढ़िया सा फ्लेवर दे रही है जिसको खाने में मज़ा आ गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं या भैया कभी भी भविष्य में कानपुर आने वाले हैं क्या करिए, जब भी आप कानपुर में गोविंद नगर के एरिया में आइए भैया तो ये विद्यार्थी मार्केट में जहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप स्कूल है उसके जब सामने वाली गली में आपको मिलते हैं शाम को ये आरके मुंबई वड़ा पाव वाले भैया। यहाँ पर आपको मिलती है पाव भाजी, मिलती है दाबेली, मिलती है और आपका देसी बर्गर यानी कि वड़ा पाव मिलता है। तो भैया यहाँ पे ज़रूर रहिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, यहाँ पे एंजॉय करिए या फिर भैया पैक कर लीजिए घर पे खाइए। और भैया हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फूडी अमित कनपुरिया पे। धन्यवाद।